हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं तुम्हें 10 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ अबाउट पीका नेटवर्क। सो आई रियली होप कि तुम्हें मज़ा आएगा इस वीडियो में और कम से कम तुम्हें मतलब थोड़ी सी तो हेल्प मिलेगी। आई जस्ट रियली होप दैट। बाकी यू कैन जस्ट इन्जॉय द वीडियो एंड अगर आप इस पर एक लाइक हिट करें और हमारा गोल 800 लाइक्स जो है वो कम्प्लीट करें तो मैन आई विल बी रियली हैप्पी। सो लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर 1, स्पीड ब्रिज के लिए तुम स्पीड पॉड भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली स्पीड पोशन से तुम्हारी स्पीड ब्रिजिंग भी फास्ट रहती है, ऑलमोस्ट थोड़ी सी स्लो रहती है शायद स्पीड ब्रिजिंग से। बट अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो तुम डायरेक्टली मिड पे जाके स्पीड पॉड्स ले सकते हो और तुम उससे ब्रिजिंग कर सकते हो। उससे बहुत ही ज्यादा आसान है, तुम्हें बस शिफ्ट होल्ड करना है और अपना राइट माउस बटन, दैट्स इट। तुम्हारे बहुत ही ज्यादा अच्छे से ब्रिजिंग हो जाएगी और तुम्हारे गिरने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। टिप नंबर 2, अब ये है हमारी TNT जंप। सो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है बट मैं तुम्हें अगर रियली अच्छे से समझाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। अभी मैं तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ TNT जंप्स के बारे में। तो TNT जंप्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर तुम फाइनल खेलो तो भी तुम उससे भाग सकते हो। अगर किसी के बेस पे कोई है नहीं और तुम्हें ब्रिजिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो तुम डायरेक्टली TNT जंप यूज़ करके उसके बेस पे जा सकते हो एंड उसका बेड भी निकाल सकते हो। और स्पेशली इन पीका TNT इज अ डैम पावरफुल ड्यूड। पीका में TNT जंप करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और पीका के TNT बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लाइक हे मैन, तुम क्लिप्स देख रहे हो पीछे। सो बेसिकली अगर तुम्हें TNT जंप करनी है तो मैं तुम्हारी 3 जो हमारे फेमस क्लाइंट्स हैं मैं उनके बारे में आराम से बता देता हूँ, बैडलाइन, लूनर और सल्वर। तो तुम्हें इनके लिए क्या करना होगा, तुम्हें 2 ब्लॉक पीछे जाना है TNT प्लेस करके और जैसे ही तुम्हें 1 दिखाई दे, 1, तो कूद जाओ। तो या बेसिकली इट्स अ लॉट ईजी लाइक दैट। तुम्हें जैसे ही 1 दिखेगा तुम कूद जाओ। जैसे मैं इधर क्लिप्स दिखा रहा हूँ तुम्हें कि कैसे कर रहा हूँ मैं TNT जंप, मैं बस 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक पीछे जा रहा हूँ और जैसे ही मेरे को 1 दिख रहा है तो मैं W प्रेस करके स्पेस बार दबा रहा हूँ बस। इट्स अ लॉट सिंपल, मैं तुम्हें मजाक भी नहीं कर रहा, ये बहुत सिंपल होती है TNT जंप। तुम बस 2 बारी ट्राई करना और तुम्हें दोनों 2 बारी में आ जाएगी परफेक्ट TNT जंप करना पीका नेटवर्क में और जार्टेक्स नेटवर्क में। ओह माय गॉड, ये ब्लू का ब्रिज मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं ब्लू का ब्रिज लिटरली यूज़ कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, ब्लू इज़ अ लेजेंड। Yes! Clip that. और अगर मैं तुम्हें कुछ सही सही स्पॉट्स बताऊं जहां पे तुम पीका नेटवर्क बहुत ही अच्छी जगह TNT जंप्स कर सकते हो तो तुमने देखा होगा लाइट हाउस में डायमंड जेन पे जाने के लिए तुम्हें बस 2 TNT चाहिए होंगे, तुम डायमंड जेन से अगले बेस पे जा सकते हो वेरी फास्ट। Amazon में हम एक बेस से डायमंड जनरेटर तक TNT जंप कर सकते हैं पर डायमंड जनरेटर से किसी बेस पे नहीं कर सकते क्योंकि डायमंड जनरेटर थोड़ा नीचे है। सो या, और जो हमारी सबसे अच्छी स्पॉट 3rd है स्पीडवे में, ऑफकोर्स आई मीन बेस्ट है ये, शायद ये TNT जंप बेस्ट जगह है ये TNT जंप करने के लिए। मैं इधर हर बारी ही करता हूँ, जब भी मेरे को स्पीड में मिलता है मैं हर बारी एक ना एक बेड इसी तरीके से निकालता हूँ। यहाँ पे TNT प्लेस, तुम बस सीख जाओ TNT जंप, मैं तुम्हें मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। और सच बोल तो तुम इसके अलावा भी बहुत सारे स्पॉट्स होंगे, अगर तुम्हें कुछ स्पॉट्स बताए तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मेरे को पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे स्पॉट्स होंगे, बेसिकली तुम्हें अभी गेम सेंस आएगा तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा जिसके बारे में आगे भी बात करूंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मैप सेंस। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट तुम्हें पिछले टिप से ही इसके अंदर डाल देता हूँ कि TNT जंप्स वगैरह तुम्हें अगर मैप सेंस है तो तुम्हें पता रहेगा, जैसे मैंने तुम्हें कुछ स्पॉट्स बताए तुम खुद भी बना सकते हो वो स्पॉट्स और स्ट्रैटेजीज तुम्हारी ऐसी बनेगी कि तुम हार ही नहीं सकते हो फिर गेम्स। और तुम्हें हमेशा हर मैप के बारे में पता रहना चाहिए कि लाइक तुम्हें कौन से आयरन, कितना आयरन चाहिए होगा इस मैप के लिए, कितने आयरन रश है, कितने आयरन में तुम बेड डिफेंस भी कर लोगे और एक परफेक्ट रश भी निकल जाएगा जल्दी से जल्दी, किधर कहाँ पे TNT जंप कर सकते हैं। तो या लाइक मैं अगर तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दूँ कुछ स्ट्रैटेजीज़ की, जैसे मैं क्या करता हूँ, बेट करता हूँ मैं लोगों को पीछे फॉलो करने में और मैं Amazon की स्टेयर्स पे ब्लॉक लगा के उन्हें नीचे गिराया, तो जैसा तुम्हें क्लिप पे दिख रहा होगा। तो ये दिस इज़ बेसिकली मैप सेंस, तुम खुद अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे जिस हिसाब से तुम मैप को खेलोगे। तो नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो, ये अपनी लॉस वगैरह का मत देखो, आप TNT देखो, आप अपने मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ अभी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, ये तुम्हारा खुद ही गेम सेंस इंप्रूव होता रहेगा इनसे। तो मैप्स तुम्हें खेलने चाहिए भले वो गंदा हो या अच्छा हो,
दिस इज ट्रूथ. हाँ मैं ही कह रहा हूँ ये. लॉल सॉरी बट या. तो हमारी फोर्थ जो टिप है वो है बेस ब्लॉकिंग इन. तो ये पूरी वीडियो तो वैसे इंटेलिजेंट से इंस्पायर्ड है, बट इधर भी मैं एक बार शाउट आउट देता हूँ इंटेलिजेंट्स को जहाँ से मैंने ये टॉपिक लिया है. तो या उनकी भी एक बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स है, प्लीज़ गो वॉच इट. उससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिली एंड आई एम प्रिटी श्योर तुमको भी मिलेगी. सो या, तो पीका में भी हम ब्लॉक इन कर सकते हैं मैप्स के. जैसे अगर तुम्हें मैप को ब्लॉक इन करना है तो मैं कुछ कुछ अच्छे अच्छे मैप्स बताता हूँ. जैसे ओलंपिक्स में सिर्फ 3 ब्लॉक लगते हैं, सेम एज टावर. तो या, तुम बस बेस को ब्लॉक इन करके गैप वैप करना है वो करो, बेड तोड़ना है जो भी कर सकते हो तुम. तो जब भी तुम किसी को भी मारते हो तो उनका बेस ब्लॉक कर दिया करो ताकि तुम्हें थोड़ा टाइम मिले सोचने का कि तुम्हें आगे क्या करना है. तो कुछ मैप्स मैं फिर से बता देता हूँ. ओलंपिक्स 3 ब्लॉक्स में ब्लॉक इन हो जाता है, टावर में 3 ब्लॉक्स में ब्लॉक इन हो जाता है, लाइट हाउस में 5 ब्लॉक्स, और बहुत मतलब आई मीन एक्वेरियम में भी ब्लॉक इन हो जाता है. इतने सारे मैप्स हैं बट तुम्हें देखना पड़ेगा. सो या, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. तुम्हारी फिफ्थ जो टॉपिक है वो है एक बहुत ही बड़ी गलती जो नॉर्मल बेड वॉर्स प्लेयर्स करते हैं, वो है कि तुम लोग अपने बेस से बाहर निकल आते हो जैसे ही तुम्हारा बेड टूटता है. तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अगर तुम मेरी स्ट्रीम्स, मेरे गेम प्लेस देखते हो तो जब भी मेरा बेड जाता है, मतलब मैं रिस्पॉन में होता हूँ और मेरा बेड चल जाता है फाइट के बाद, तो मैं हमेशा बेस पे रुकता हूँ और कोशिश करता हूँ एक स्वॉर्ड ले लूँ. बाहर जाओगे तो तुम्हें वो या तो नॉक ऑफ कर देगा या तो उसके पास गेयर ही अच्छा रहेगा. आई मीन तुम वुडन स्वॉर्ड से उसे मार भी नहीं सकते. तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना चाहिए तुम्हारा बेड ब्रेक के बाद, तुम्हें पीछे जनरेटर में जाके एक स्टोन स्वॉर्ड ले लेनी चाहिए. ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा. सिर्फ स्वॉर्ड नहीं, क्या पता तुम्हें अब वो आयरन आर्मर भी मिल जाए उस समय. तो जस्ट वेट इन योर बेस. तुम्हें एक अच्छा सा मोमेंट ढूंढना पड़ेगा कब वो तुम्हारे बेस के आसपास से हटेगा और तुम फ्री हो पाओगे मिड जाके गेम क्लच करने की होप रख सकते हो. नेक्स्ट टिप, मैन ये टिप नहीं है, ये तो मैं पूरा मैप के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मुझे पता है तुम लोगों को एक्वेरियम मैप बिल्कुल पसंद नहीं है पीका नेटवर्क का, बट दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मैप. हे मैन, यस वो बहुत ही एपिक मैप है. मुझे पता नहीं तुमको क्यों पसंद नहीं आता. उसके अंदर TNT जंप्स के इतने सारे स्पॉट है, लाइक डायमंड जनरेटर से किसी भी बेस तक तुम उसमें भी 2 TNT से किसी भी बेस पे जा सकते हो. एंड नॉट ओनली दैट, वही एक ऐसा मैप है जिसके अंदर स्किल्स तुम्हें नहीं चाहिए. तुम KB स्टिक से सिर्फ बेट कर सकते हो लोगों को बाहर आने के लिए एंड बूम बॉन्क्ड. तो तुम 2 ब्लॉक में उसके अंदर ब्लॉक इन भी कर सकते हो. यस, तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, अपने ऊपर और अपने आगे एक ब्लॉक लगा देना है. जब वो रिस्पॉन होंगे तो तुम, अगर मैं सच बताऊँ, अगर उनके पास वुड भी है ना, तुम्हें 2 वुड भी तोड़नी पड़ेगी तब भी तुम तोड़ पाओगे, क्योंकि उनका जो रिस्पॉन पॉइंट है और तुमने जहाँ से ब्लॉक इन किया है वहाँ से वो हिट नहीं कर पाएंगे. और अगर हिट करेंगे तो उनको साइड आना पड़ेगा और तुम उनको आराम से मार सकते हो. क्योंकि दिस मैप रिक्वायर्स नो स्किल. ऑल्सो ये यही एक मैप है जिसके अंदर तुम 4 आयरन रश भी कर सकते हो. ओके पॉज, मैंने एडिट में थोड़ा सा गलती कर दिया. मैं ये बोलना चाहता था कि हम यहाँ पे 8 आयरन रश कर सकते हैं विद बेड डिफेंस. मैंने गलती से 4 आयरन रश बोल दिया, माय बैड. बट या, क्लिप देख लो. ऑल्सो मैं लास्ट टिप जो एक्वेरियम की मैप की तुम्हें देना चाहूँगा, तुम अपना फर्स्ट रश निकालते हो जैसे ही तो तुम वुड बाय करके अपने पूरे बेड डिफेंस पे लगा सकते हो और वो कम्प्लीटली फिट हो जाएगा. सो मेक श्योर यू डू दैट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बाय द वे. आई होप तुम अगली बार एक्वेरियम मैप मिस नहीं करोगे अब. ओके, तो 7th टिप है हमारी, ऑलवेज हैव शीयर्स. ओके, तो सबसे पहले ये है हमारी काउंटर मेथड ऑफ टिप नंबर 4, यानी कि ब्लॉक इन जो बेस में हो जाता है. अगर तुम्हारे पास शेयर्स रही तो तुम आराम से अपना बेड बचा सकते हो, ऑफ़ कोर्स, क्योंकि तुम्हारे पास शेयर्स है, तुम जल्दी से माइन कर सकते हो सारी चीज़ें. तुम ब्लॉक माइन कर सकते हो फाइट के बीच में. और ब्लॉक ट्रैप भी कर सकते हो लोगों को, मैं मजाक भी नहीं कर रहा. शीयर्स इज़ द बेस्ट आइटम इन द गेम, भले ही लोग कितना बुली करे इस आइटम को, बट ऑलवेज हैव शीयर्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस ड्यूड.
एक टिप है हमारी, तो स्पीड ब्रिज करते हुए तुम स्टैक अप करो। तो तुमने देखा होगा कि मैं भी बहुत भारी गिरता हूँ, ठीक है, स्पीड ब्रिज करते हुए। कोई भी इतना अल्टीमेट कंसिस्टेंट नहीं है, बट लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसके कारण वो कंसिस्टेंट नहीं है, उन वो ऊपर नहीं जाते हैं, वो फ्लैट ब्रिज करते हैं या फिर वो बिल्कुल स्ट्रेट ब्रिज करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि वो पहले बहुत ऊपर स्टेयरकेस बना देंगे फिर फ्लैट ब्रिज करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें 3-4 ब्लॉक के बाद हर बारी ऊपर जाना चाहिए। अब इससे क्या होगा, पहली बात, अगर तुम स्टेयरकेस पे चढ़ते हो तो तुम धीरे ऊपर जाते हो, और अगर तुम्हारी ब्रिज फाइट होती है तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा फॉल डैमेज पड़ेगा। अगर तुम ऐसे 3 स्टैक करोगे, इसे 3 स्टैक कहते हैं, 3 स्टैक ब्रिजिंग, यानी कि 3 ब्लॉक बाद हर बारी ऊपर, या 4 ब्लॉक बाद भी ऊपर जाओगे तो बेस्ट रहेगा। तुम्हें ब्रिज फाइट में आसानी होगी, पहली तो तुम वॉल रन कर सकते हो उसके अंदर, क्योंकि तो इससे 4 स्टैक ब्रिज से एक और चीज़ होगी जो तुम नीचे नहीं गिरोगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रिज हर बारी रीसेट हो जाता है। ये शायद थोड़ा सा स्लो हो तुम्हारे नॉर्मल फ्लैट ब्रिज वाले तरीके से, बट ये फ्यूचर में पूरा गेम की अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट स्टेप है बेट देम टू फॉलो यू। अब तुम्हें अगर याद हो, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें अपने बेस से बाहर निकलना नहीं चाहिए क्योंकि वो तुम्हें नीचे गिरा देंगे, तो तुम्हें यही करना है हर बारी। तुम्हें क्या करना है कि तुम लो होते हो, तुम भगो ऊपर की तरफ, बिल्ड करो, और वो लोग अगर ऊपर की तरफ बिल्ड करते हैं, मैन यू गॉट देम, वो फंस चुके हैं तुम्हारी ट्रिक में, बस उनके ऊपर नीचे कूदो और नीचे गिरा दो या फिर उन्हें नॉक ऑफ कर दो वॉइड में। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप। तो हमारी 10th जो टिप है वो है इम्प्रूविंग गेम सेंस बाय वॉचिंग यूट्यूबर्स। तो आई गेस तुम्हें पता ही होगा इतने सारे यूट्यूबर्स है बेड वॉर्स से रिलेटेड, जैसे हमारे इंटेल एडिट्स, माय पर्सनल फेवरेट, ही इज़ लव मैन, उसकी स्ट्रीम्स, उसके उससे मेरे को इतनी गेम सेंस मिली है, गेम बॉय 80, पर्पल, लुवनॉक्स, हमारे इतने सारे यूट्यूबर्स, मैं तुम्हें नाम भी नहीं ले सकता। तो तुम उनको जितना देखोगे, जो भी मतलब स्वेट करते हैं, मैं एक इस लिस्ट में विक्सन को भी डालना चाहूँगा, क्योंकि ये सारे क्लच गेम्स निकाल पाते हैं और तुमको बहुत ही ज़्यादा इससे हेल्प होगी, ट्रस्ट मी। ओके गाइस, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर तुम इस वीडियो पे 800 लाइक्स यार करवा दोगे तो हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, और सेकंड पार्ट में और कौन सी टिप्स मुझे डालनी चाहिए प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को बताना। अगेन, दिस वीडियो वाज इंस्पायर्ड बाय इंटेल एडिट्स, मेक श्योर यू चेक एम आउट, एंड गाइज इट वुड मीन मी अ लॉट अगर तुम लोग सब्सक्राइब करते हो तो। और इन टिप्स में से कुछ टिप्स तुम्हारी हाईपिक्सल में भी काम आएगी। So yeah, I really hope you enjoy the video. Please like and subscribe kar dena. I'll see you guys next time. Bye.